क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है रूट कॉट थीटा डी थीटा को। तो सबसे पहला स्टेप, इस पूरे रूट कॉट थीटा के प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कीजिए। यहाँ पे रूट कॉट थीटा, इसके प्लेस पे मान लेते हैं एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करने पे यहाँ से ये रूट अलग हो जाएगा, तो रूट कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट थीटा, ये हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर? अब इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा 2x डी एक्स अपॉन डी थीटा। इतना क्लियर? नाउ इस डी थीटा को यहाँ पे ले आए, तो डी थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये माइनस इस साइड शिफ्ट हो गया, तो माइनस ऑफ 2x डी एक्स, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये नीचे आ जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी थीटा ये लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 2x डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट थीटा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4। ये क्लियर? अब इन सबको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट थीटा, रूट कॉट थीटा है प्लेस पे एक्स, देन डी थीटा, डी थीटा के प्लेस पे ये लिख दीजिए, तो माइनस ऑफ 2x डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये क्लियर? नाउ अब ये 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये क्लियर? नाउ अब यहाँ ऊपर 2x स्क्वायर है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा, देन होल अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। ये क्लियर? माइनस बाहर है। अब इस पूरे इंटीग्रल को इस प्रकार चेंज करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। इतना क्लियर? अब इन दोनों ही केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स स्क्वायर का डिवीजन कीजिए। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, देन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर देन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर? नाउ माइनस ये बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां ऊपर बीच में प्लस है, तो यहां पे हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 भी आएगा जो कि यहां नहीं था, तो इसके इक्विवेलेंट ही हमें यहां लिखना है। तो यहां जो माइनस 2 आ रहा है प्लस 2 करने पे वो माइनस 2 कैंसिल होगा, तो यहां प्लस 2 करना पड़ेगा, और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। ये क्लियर? देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहां ऊपर है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां बीच में माइनस है, तो डिनोमिनेटर पार्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को चेंज करके लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लिखने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, यहां प्लस 2 भी आएगा, यहां नहीं है तो माइनस 2 कीजिए, और 2 को हम लिख सकते हैं अगेन रूट 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर? नाउ अब यहां पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे मान लेते हैं यू, और इस केस में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके प्लेस पे मान लेते हैं वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी एक्स
dx को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इतने प्लेस पे रिप्लेस किया जा सकता है du को, एंड यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx, dx को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इतने प्लेस पे आ जाएगा dv, तो अब इस पूरे को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इस पूरे प्लेस पे du, इतने प्लेस पे हमने u माना था, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर देन प्लस रूट टू का स्क्वायर, ये क्लियर, देन प्लस इतने प्लेस पे dv, इतने प्लेस पे v माना था तो v स्क्वायर देन माइनस रूट टू का स्क्वायर, ये क्लियर। अब ये दोनों ही स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो यहाँ इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्म, इतने का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स के प्लेस पे यू है और ए के प्लेस पे रूट टू, ये क्लियर। ये फॉर्म बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, इतने का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन टू ए, 1 अपॉन टू ए के प्लेस पे रूट टू, ये क्लियर। लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, x के प्लेस पे v है, a के प्लेस पे रूट टू है, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, और देन यहां से प्लस कांस्टेंट और यहां से प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट ही कहलाएगा प्लस c, ये क्लियर। नाउ अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स u, u के प्लेस पे आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन रूट टू देन प्लस वन अपॉन टू रूट टू लॉग वी, वी के प्लेस पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्लियर। नाउ इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए दोनों टर्म में, ये बन जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन रूट टू, तो इसको नीचे लिख सकते हैं रूट टू एक्स, ये क्लियर। नाउ माइनस प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट टू लॉग, यहाँ नीचे एलसीएम आएगा एक्स, यहाँ नीचे एलसीएम आएगा एक्स, और दोनों जगह से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्लियर। नाउ क्वेश्चन थीटा में था तो आंसर भी थीटा में लिखना है, तो माइनस वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस वन अपॉन रूट टू एक्स, एक्स के प्लेस पे है रूट कॉट थीटा, तो रूट टू इंटू रूट कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर टू कॉट थीटा, क्योंकि हम जानते हैं रूट एम इंटू रूट एन, रूट अंडर एम इंटू एन होता है। माइनस वन अपॉन टू रूट टू लॉग एक्स स्क्वायर के प्लेस पे कॉट थीटा प्लस वन माइनस रूट टू एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ रूट टू कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे कॉट थीटा प्लस वन प्लस रूट टू एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर टू कॉट थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा।